हे गाइस, एक और नए आलतू फालतू वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग कहाँ जाएंगे वही मैं आप लोगों को बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त कभी बताता नहीं। और मेरा दोस्त कह रहा था कि 3 बजे आ जाएगा, और अभी टाइम हो रहा है 3:33। मतलब हर टाइम लेट करता है यार। मैं कभी एक दो बार कर देता हूँ ठीक है, लेकिन वो हर टाइम कर देता है। तो कोई बात नहीं, अभी मैं बिश्नौला के सामने हो, देखते पीछे बिश्नौला गेट है, देखते ही मेरा दोस्त कब आता है। और आज का मौसम देखिए बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब बहुत दिनों बाद आज एक मतलब सूरज है, पीछे सूरज है, सामने एकदम ब्लू स्काई, मतलब हर जगह ब्लू स्काई और मज़ेदार एकदम आज का मौसम हो रहा है। मुझे पहले जाना था लेकिन अभी जाते हैं, तो दोस्त को आने दीजिए। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बिश्नौला गेट, और इधर थोड़ा सा घूम जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे है बिश्नौला गेट का टिकट काउंटर, यहाँ से आके टिकट काटिए, अंदर जाइए, घूमिए फिरिए, आइए पिए, मज़ा कीजिए। इसके अंदर जाके उससे पहले आप लोग टिकट तो खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं टिकट काउंटर, और यहाँ पे बाइक साइकिल जो भी रखना है, गाड़ी वाड़ी रख सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग के इलाका है, यहाँ पे तो बहुत ठीक ठाक सा जगह है। तो अभी तक मेरा दोस्त नहीं आया, भाई कब आएगा यार, कब आएगा। ओ भाई साहब, चलो मैं इस साइड में आ चुका हूँ। एक बार नज़ारा देखो भाई, सूरज ऊपर, एकदम मज़ेदार नज़ारा। यहाँ पे ट्रैफिक के साथ मैं रिक विश्वास रिपोर्टिंग कर रहा हूँ बिश्नौला गेट के पास। ये देखिए गाड़ियाँ वाड़ियाँ जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक कुत्ता सोया हुआ है। हेलो डॉगी, भाव भाव, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अबे अबे उठा उठा, हेलो, कोई भाव नहीं दे रहा है, गजब बेइज्जती है। इधर नज़र रखते हैं हमारा दोस्त कभी आता या नहीं। अरे इको पर कोई नहीं जाएगा, आप जाओ यहाँ से। और मुझे हाँ क्या बोल रहा था मैं, मुझे 100% पता है कि मेरा दोस्त अब घर पे बैठा हुआ था, जब मैं बहुत दूरी आ चुका है बोल रहा था, लेकिन अभी तक नहीं, अभी तक वहाँ से शायद ही 5 मिनट या 6 मिनट लगते हैं, और अभी तक 15 मिनट हो चुका है लेकिन अभी तक नहीं आया। इसका मतलब समझे था, इसका मतलब वो घर पे ही था। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। चलो आपको थोड़ा यहाँ पे बिश्नौला दिखा देता हूँ, ये देखो बिश्नौला। एक चीज़ आप लोग दिखाते हो, ये देखो लाइट है, मेरे साइकिल में लाइट है। अरे सारे गिर जा रहा है, ये देखो साइकिल में लाइट है, ये देखो स्पीडोमीटर है, ये देखो यहाँ पे निको है, निको यहाँ पे गियर है। अबे कब से वेट कर रहे हो, आ ही नहीं रहे। चलो गाइस ब्लॉग खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं तक था। कब आएगा मैं मर जाऊंगा, कब तक ये लोग आएगा मैं मर जाऊंगा। फोन भी नहीं उठा रहे। और ये मैं बिश्नौला के बीचों बीच चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक। 3 बजे से पहले हमारे यहाँ तक आ जाना चाहिए था, और 3 बजे मैं वहाँ पे थोड़ा काम पे वहाँ पे आया था उस साइड में, ठीक है। उसके बाद अभी टाइम हो चुका है 3:55 शायद, 3:57 हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं आया, 1 घंटा लेट। अबे सर 1 घंटा लेट कौन करता है। 2000 years later. मुझे लग रहा है वो लोग आ रहे हैं, बहुत दूर से देखा मैंने तो ले आ रहे हैं। इनको देखता हूँ आज मैं, इसको ठोक के खा, मतलब ठोक के या इनको फेंक दूंगा आज रास्ते में। ওখানে বলছি 2:40 থেকে ফোন করে রিকের বাড়ি সামনে ওখানে চলে আসবে, চ এই তো আসছি, এই তো আসছি, 3:30 সময় আমাকে বের করেছে। ও আমাকে ফোন করেছে তুমি লেট করেছো। ইয়া গাইস अरे इसने मुझे बोला कि इन भैया ने लेट किया, और खुद घर से तब निकला ही नहीं। मुझे पता था जब उसने बोला सेक्टर 5 में था, जाते रहता मैं भी इस रास्ते से आता था, ये बोला मुझे सेक्टर 5 में था, तब ये मतलब 100% घर में था। सेक्टर 5 में तब सेक्टर 5 में था नहीं, सुश्रुत के सामने था। हम ब्रिज के नीचे से जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से जाने का उतना स्टैमिना नहीं है, सब स्टैमिना खत्म हो गया वेट करते करते इस महाशय के लिए।
उसका अभी स्टैमिना सब खत्म हो गया, इसलिए हम लोग नीचे से जाएंगे। और कहाँ जाएंगे वो पता नहीं। अरे लेफ्ट में। और लेफ्ट में जाना पड़ेगा। अबे लेफ्ट। तो लेफ्ट ही। अबे क्या चोमो आदमी है यार, लेफ्ट राइट को भी पता नहीं इसको। जस्ट हम लोग पहुँचे यहाँ पे, कहाँ पे पहुँचे थे वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन पहुँचे हैं कहीं पे जिसका नज़ारा शिक्षा अच्छा दे रहा है। बीच में रास्ता है, दोनों साइड खेत खेत खेत। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं एक अच्छा सा एक जगह में आ गए। बहुत ज़्यादा शांत है यहाँ पे, कितना ज़्यादा अच्छा जगह तो हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखते हो मिट्टी एकदम फटफट सा गया क्योंकि अभी सीजन नहीं है। तो गाइस बहुत नहीं गया, पूरा क्लीन एकदम रास्ता है। यहाँ पे साइकिल चलाने का मज़ा भी यहाँ पे अलग है। ये भी ब्लॉग कर रहे हैं यहाँ पे। व्लॉग हमारा खत्म हो चुका है लेकिन दिमाग एकदम खराब हो गया क्योंकि इस लड़के के भरोसे और कभी नहीं आना। एक तो बताता नहीं कहाँ पे जाएंगे, पहले बोलते कि नहीं नहीं बहुत अच्छी जगह हम लोग यहाँ पे जाएंगे वहाँ पे जाएंगे ऐसे बोलते हैं, और यहाँ पे ले आया बस यहीं पे। मतलब मैंने सोचा कि ठीक है अच्छा जगह है, आगे आएगा कुछ आएगा, यही खत्म। शुरुआत यहाँ पे खत्म भी यहाँ पे, तो भाई दिमाग खराब हो गया। आज का व्लॉग उतना मजा नहीं आया। जिंदगी बर्बाद भाई। एक दिन निकलता हो भाई हफ्ते में, उसमें भी अगर ये घोटाला करते तो दिमाग खराब हो जाता ना। और इतना ठंड है यहाँ पे चारों तरफ क्योंकि एकदम कुछ नहीं, एकदम ठंड मतलब ठंड भर भर के है भाई। खुला खुला जगह है और बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं था इस ब्लॉग में मुझे पता है। मैंने सोचा था, मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि संडे को ब्लॉग आएगा अच्छा आएगा, क्योंकि उसी ने मुझे को कहा था कि एक अच्छी जगह में जाएंगे, तो यहीं पे खत्म करना पड़ेगा ब्लॉग को। बहुत बेकार से जगह था, मतलब ठीक ठाक सा था लेकिन उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था। ड्रोन के लिए एकदम सही नहीं था, ड्रोन के लिए एकदम घटिया जगह था। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म कर देते, एकदम बेकार। डिसलाइक कर देना व्लॉग को। मैं मजाक कर रहा हूँ सालों। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।